एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे वीकेंड वाले ब्लॉग में। एंड आज है सैटरडे, तो चलिए सुबह की शुरुआत एज यूजुअल हमारे मॉर्निंग वॉक के साथ हो गई है। वैसे टाइटल और थंबनेल को देख के आप लोगों को आइडिया तो लग चुका है कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और साथ मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा हर एक दिन एडवेंचर वाला होता रहा, हमको भी नहीं पता कि आज मेरा पूरा दिन कैसा जाने वाला है या इसके अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। खैर चलिए, हमारा वॉक किया हुआ हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं। टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स द बिजनेस एम टू। नाश्ता करने के बाद अभी हम बैठ गए अपने पढ़ाई लिखाई को लेके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग का ना मतलब मेरा पहला मॉड्यूल का लगभग कंप्लीट है, बस दो टॉपिक बचा था, एक मार्केटिंग मिक्स और एक मार्केटिंग प्लान। देखो ना, बारिश होने लगा, अरे भाई कितना स्पीड बारिश हो रहा है। चलो बारिश दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे। बारिश तो होता रहेगा, अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर अकाउंट्स को लेकर स्टार्ट करेंगे। वैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, इस बार पानी का बॉटल एकदम पुकी पुकी वाला आया, पिंकी पिंकी वाला। के लंच में हम बनाए हैं खिचड़ी सिंपल सा, और उसके साथ ही में पापड़ और इधर पकौड़ी बनाए। खिचड़ी में ना आज अपने आप सीटी लगा, 3 से 4 सीटी लगा, पूरा गल गया। खैर अब जो भी है, मस्त मस्त पकौड़ी के साथ खा लेंगे। क्या वैसे तो पिछले 4 दिन से आप लोगों ने गेस कर ही लिया, कमेंट पे कमेंट आ रहा है दीदी आपने स्कूटी ले लिया, और कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल, तो वो थैंक यू सो मच, हम फाइनली अपना स्कूटी ले चुके हैं। और मतलब जो खुशी है ना, मेरे बकेट लिस्ट का एक विश पूरा हो गया। लिस्ट में था कि अपना एकदम पर्सनल जाके स्कूटी या बाइक लेंगे, बट अभी फिलहाल मेरा पॉकेट यही अलाउ कर रहा था। बट जो भी है यार, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। लिटरली खुद से अपना सपना पूरा करना ना, वो इतना बड़ा बात है ना, हम क्या बताएं आप लोगों को। तो हम फाइनली स्कूटी ले लिया, शटल बुक करके जो उस दिन गए थे, वो हम स्कूटी ही देखने के लिए गए थे। वहाँ गए 2 घंटा करीब आपको लगा अपने कॉलेज से जाने में, और हुआ ही ना उस दिन बस वाले पूरा इधर कभी इधर छोड़ रहे, कभी उनको बोल रहे तो उधर छोड़ रहे, तो बहुत इधर उधर कर दिए थे। खैर उसके बाद हम जगह पे पहुंचे, वहां जाने के बाद का सारा पेपर देखे, सारा पेपर एकदम ओके है, पॉल्यूशन पेपर होता है वो हमको बनवाने का। परसों के वीडियो में आपने सुना होगा कि हम आप लोगों को बोल रहे थे कि हमको पेट्रोल पंप जाना था, उसी ले जाना था, लेकिन उस दिन काम हो नहीं पाया, तो वो बोले ना कि 11 बजे से काम होगा। तो हम सोचे थे ना कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताएगा, और हम वीकेंड का सोच रहे थे कि जैसे वीकेंड आता है अच्छे से, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो इसको रिवील भी तो इतना अच्छे तरीके से करना था ना। हम जब परचेस किए और उसके बाद अगले दिन हम नारियल लेके आए थे, पूजा किए थे, वो वाला क्लिप आप लोग देख के आए, फिर हम लोग बात करते हैं। हेलो, कहाँ आ गए? आ रहे हम गाड़ी लेकर, 10 मिनट पैर घूम गया मेरा। बाकी वो सुई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है गाइस, देखते हो मजबूरी में हमको क्या ही लेना पड़ा, क्या बोले। मार्केट में ना इस हेलमेट के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और अगर हम उस टाइम नहीं लेते तो फिर रास्ते में हमको लग जाता है चलान, और पहला दिन नाम चलान नहीं लगवाना चाहते थे। और फिर दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं पूजा पाठ के साथ, पहले स्वास्तिक बनाते हैं, टीका लगाते हैं, फिर अगरबत्ती दिखाते हैं। खुशी तो इतना ज्यादा हो रहा है ना कि हम क्या बताएं। पूजा पाठ करने के बाद फिर लास्ट में नारियल से पूजा किए, और बस ये था मेरा पूजा, ये था मेरा स्कूटी, बताइएगा कि कैसा लगा। जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग से पता है कि ऑटोमोबाइल, कार, स्कूटर, बाइक, ये सब में मेरा वैसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमको उसके बारे में कोई नॉलेज रहता है। टू बी ऑनेस्ट, हमको कोई नॉलेज नहीं होता किसी कार के बारे में, हमको कुछ नहीं पता होता है, किसी स्कूटी के बारे में नहीं पता। उसी तरह सेम ये जो ब्रांड है अप्रिलिया, इसके बारे में जब हम फर्स्ट टाइम सुने ना, तो बोले क्या अजीब सा कंपनी, मतलब पहली बार नाम सुन रहे, ऐसा अच्छा होता होगा कि नहीं। तो उसके बाद फिर इसके बारे में पता किए, तो पता चलता है ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, और हम नहीं सुने था नाम, क्योंकि ऑब्वियसली हमको नहीं पता है इस सब चीज़ के बारे में। हमको ये आगे का मतलब जो डिज़ाइन है उतना नहीं पसंद, और ना ही ये कलर उतना पसंद है। तो इन फ्यूचर जब मेरे पास थोड़ा और पैसा होगा, तो हम इसमें स्टिकर ब्लैक कलर का, क्योंकि हमको रेड कलर, हमको पापा का भी स्कूटर, वो स्कूटर बोल रहे, पापा का भी बाइक उतना नहीं पसंद, पापा को हमेशा बोलते हैं कि आपको दूसरा कलर नहीं मिला था, मतलब ऑरेंज और रेड कलर का लिया है,
तो हम बता रहे हैं हमको कलर उतना पसंद नहीं है, लेकिन इसका बैक का जो डिजाइन है, बैक का जो कलर वालर है, मतलब पीछे से जो स्पोर्ट्स बाइक है ना, इतना प्यारा लगता है ना कि क्या बताया। अभी हम चला रहे थे, आप लोगों को दिखाई होगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा स्कूटी कैसा लगा। स्कूटी का ना हम लोग नाम भी रखेंगे। और पता है आप लोगों को, घर पे ना एक नन्ही सी मेहमान आई है, जब चलेंगे ना तो आप लोगों को दिखाएंगे। उसका नाम है डेजी। उससे मिलने के लिए तो हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बाकी हम आप लोगों को एक बात और बताते हैं स्कूटी के बारे में। फाइनली कोलकाता आने के बाद ना हम कोलकाता घूम सकते हैं और आप लोगों को भी कोलकाता घुमा सकते हैं। चलिए आप लोग ना मेरे स्कूटी का, भाई मेरा स्कूटी यार, ये चीज बोलने के लिए तरस चुके थे, मेरा स्कूटी। हाँ, तो आप लोग मेरे स्कूटी का कुछ ग्लिम्स देखिए। कॉलेज जाना भी बहुत आसान हो गया। अब 10 मिनट पहले घर से निकलते हैं और उसका 10 मिनट पहुंच जाता है। तो देखते थे 1 घंटा 15 मिनट पहले निकलते थे, वो मेरा टाइम बचा। कल भी हम कॉलेज जाने से पहले पढ़ाई कर लेते, परसों भी हम ऐसा ही कहते, आज तो खैर छुट्टी है। बाकी मेरे ड्राइविंग स्किल पे ना अभी आप लोग भरोसा मत करना, क्योंकि हम और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों ने प्लान करके कंट्रीब्यूट करके स्कूटी लिया है। एंड प्लान हमारा ये है कि हम दोनों एक कॉमन स्पॉट पे मिलेंगे, वहीं से फिर जहां जाना होगा, जैसे कॉलेज जाना होगा या इधर उधर कहीं भी जाने होगा तो जाएंगे। बाकी आप लोग अभी फिलहाल मेरे उस फ्रेंड के बारे में मत पूछिएगा, अभी हमको फिलहाल उसको रिवील नहीं करना। कुछ चीजें पर्सनल होता है तो उसको पर्सनल रहने देते हैं, कि मेरे चैनल पे मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। इसका पता है एक चीज गड़बड़ है, इसमें फ्यूल नहीं दिखाता और ये मीटर खराब है, जिसको बस ठीक करवाना होगा। को पैसेंजर बनना भी ना एक अलग दुख है, डायरेक्शन देने के चक्कर में। पता है जिस दिन हम आ रहे थे ना पहला दिन स्कूटी लेके, एकदम नए नए थे, कोई आइडिया नहीं लग रहा था। पता है 2 बार हम लोग ना गलत फ्लाईओवर पे चल गए। और ऐसा भी नहीं है कि ना जहाँ पर से गलत आए वहाँ से यू टर्न ले लेते, फिर आगे चल के यू टर्न मारने के चक्कर में आधा घंटा उसने एक्स्ट्रा किया। खैर हम ये बोल रहे थे कि हम बताना आप लोगों को भूल गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गारियाहाट। तो चलिए आप लोगों के साथ, चलो 400 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न। गूगल मैप का पता है क्या है, अगर आप गलत रास्ते आ जाते हो ना, पहले ये वाला रास्ता था मेरा, ठीक है, गलत रास्ता आ जाते हो ना तो उसी जगह पर से नया रास्ता बता देता है, इसी चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है। वो पैसेंजर अच्छा थे क्या पीछे से एकदम, अरे एक हेलमेट छोड़ना पड़ेगा ना, मेरे स्कूटी में पता है इतना कम जगह नहीं कि हेलमेट जा सकता, एक यहीं पर लगा देंगे वहाँ पे। क्यूट क्यूट है सारा, क्यूटी क्यूटी है। वाओ, प्राइस है इन सबका 190। काजू कतली वाला कैंडल, वाओ। एक मिनट के लिए हमको लगा काजू कतली क्या कर रहे हैं, बस मिठाई का दुकान दिखना चाहिए, उसके बाद संग से वो खाई लेते, बहुत टेस्टी लगता है। कोई सौंदर्य यहाँ सिरेमिक का कप वगैरह मिल चुका है, हमको समझ नहीं आ रहा है ये नहीं आएगी, ये हल्का हल्का पिघल रहा है ना। कोटी में नहीं होगा, कोटी भाई। यहाँ के कुर्ती के बारे में हम क्या बोले, हमको इतना ज्यादा पसंद आया था ना, अभी हमको अखड़ रहा है कि हम क्यों नहीं लिए। मतलब हम सोचे थे ना कि मार्केट थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर लेंगे। अगर गारियाहाट में आप नए हो ना तो फिर इतना कंफ्यूज होते हैं ना कि क्या बताएं। नेक्स्ट टाइम से ना किसी नोन पर्सन के साथ जाएंगे। लाइक ये जो स्काई ब्लू वाला दिख रहा ना, हम सोचे थे लेंगे यार, हम क्यों नहीं लिए, बहुत प्यारा था। नेक्स्ट टाइम अगर हम जाएंगे और ये कुर्ती हमको सेम मिलता है तो हम ले लेंगे। वाला पसंद किए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली मैं ऐसा कलर का ना मेरे पास बहुत सारा है, इसलिए ऐसे तो यही पसंद आ रहा है, बट ऐसा कलर का है तो सोचते नहीं। अच्छा लगा ये वाला। पिछला वाला जो कुर्ती का दुकान था वो हमको मिला नहीं, 2 चक्कर लगा लिए गारियाहाट का लेकिन नहीं मिला। यहाँ पे भी हमको कुर्तीज वगैरह पसंद आया। ये अंकल को तो वैसे सारा कुर्ती मेरे ऊपर पसंद आ रहा था, लेकिन हम फिर भी ग्रीन कलर का लिए, जो कि बहुत बड़ा हो गया, हमको उसको थोड़ा सा फिट करवाना पड़ेगा। शॉपिंग के बाद गाइस पेट पूजा। हाँ देखो ना, सब मेहंदी मेहंदी लगा रहे हैं। पता है बड़ा कंफ्यूज वाला मार्केट है, समझ में नहीं आ रहा है किधर से किधर जा रहे हैं। अभी जो इधर वाले मैं तो बस मेहंदी ही मेहंदी लगा रहा था, मतलब पूरा भरा भरा था, लगता है करवा चौथ एकदम आगे पीछे है, इसलिए क्योंकि एक दो नहीं पूरा भरा हुआ था मार्केट मेहंदी से। या हो सकता है यहाँ मतलब रेगुलर बेसिस पे, देखो यहाँ पे मेहंदी लगाने जा रहा है। हम ढूंढ रहे ना वो टॉप्स वगैरह, बट हमको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। कुर्ती वगैरह तो मिला, एक और हमको समझ में आया तो सोचे वो वाला ले लेता है, वापस जाएंगे उधर से ही ले लेंगे। देखो कितना अटपटा सा स्पीकर है, कितना क्यूट लग रहा है ना। शॉपिंग तो मेरा आज अनएक्सपेक्टेड हो गया। हम सोच रहे थे ना मम्मी के लिए कुछ लेने का, बट हमको ना वो मतलब वो सिंगल चुड़ी नहीं होता एक एक हाथ में दोनों का पहनने वाला, तो वैसा वाला मम्मी के लिए ऑलरेडी लिए, तो ऐसा कुछ नया डिजाइन हमको मिला नहीं। बाकी एक चीज और ले रखो यार, अपने स्कूटी के लिए फोन होल्डर। अब मस्त स्कूटी में बैठ के जब अच्छे से सीख जाएंगे ना स्कूटी चलाने, तब बस बैठ के एकदम ब्लॉगिंग करते करते चले। अब बस माइक लेने का जरूरत है, माइक नहीं मेरे पास। Thank you.
यू बाय। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। देखो ना बाल कैसे चिपक सा गया हेलमेट की वजह से। बापरे फर्स्ट दिन जो हम हेलमेट पहने थे मेरे कान में ऐसा दर्द हुआ था, फिर धीरे धीरे आदत लग गया। अभी घर पहुंचे, खाना पीना बनाना नहीं है, थोड़ा सा खिचड़ी बचा हुआ है और साथ ही में बिरयानी पैक करवा के आए हुए हैं, तो बिरयानी खाते हैं उसके बाद हम आईटी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि मंडे को आईटी का भी पेपर और स्टैट का पेपर है, तो स्टैट कल देख लेंगे क्योंकि उसको बस रिवाइज करने का। तो अभी हम आईटी पढ़ेंगे बट उससे पहले खाना पीना खाते हैं और आप लोगों को आज दिखाएंगे भी हम बहुत सारा शॉपिंग करके आए, सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है थोड़ी देर में रुको। आईटी का जो इंटरनल्स में आ रहा है ना वो दो मॉड्यूल से आ रहा है, पहला मॉड्यूल्स को देखो सेपरेट कर दिया, सेकंड इधर है, तो चलो ये फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं।